अखंड भारत की आजादी के लिए आंदोलन में देश के हर कोने से देशभक्तों की टोली अपने प्राणों की बाजी लगाकर प्रेरणा का कार्य कर गई, जिससे हम आज आजाद भारत में सांसें ले रहे हैं। डिग्गी चौक से हेमू कालानी की प्रतिमा के समक्ष जब तक सूरज चांद रहेगा हेमू कालानी तेरा नाम रहेगा, जैसे नारों से क्षेत्र गुंजायमान हो गया। शनिवार को डिग्गी चौक पर हेमू कालानी के 75वें बलिदान दिवस के अवसर पर अनेक संस्थाओं द्वारा उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। भारतीय सिंधु सभा महानगर की ओर से डिग्गी चौक पर देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर संभाग प्रभारी नरेंद्र बसरानी, तुलसी सोनी, मोहन कोटवानी, भगवान पुरस्वानी, रमेश लखानी, खेमचंद नारवानी, सिंधु समिति अध्यक्ष जयकिशन लख्यानी, उपाध्यक्ष अजीत पमनानी, प्रकाश जेठरा, प्लाजा व्यापारिक संगठन के अध्यक्ष दिलीप बुलचंदानी, जयकिशन वातवानी, लेखराज ठाकुर, भगवान कलवानी, नारायण सोनी, श्वेता शर्मा, सेवक पंचवानी, कैलाश लखवानी सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। कहते थे कि अंग्रेजों का सूरज कभी अस्त नहीं होता, उस अंग्रेजों को यहाँ से भारत देश छुड़ाने के लिए जो उन्होंने अपने जीवन की आहुति दी, निश्चित रूप से आज इस महामना की जयंती है, इस पर यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। किसी ने कहा भी है, तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आग जलाए रखने के लिए नाम तुम्हारा लेगा। ऐसे महापुरुषों की जयंती से हमारे को प्रेरणा मिलनी चाहिए। आज सभी जनों ने डिग्गी चौक पर हेमू कालानी की मूर्ति पर सबने श्रद्धा सुमन फूल समर्पित किए। उस भगत ने इस भारत भूमि के लिए अपना बलिदान सबको निछार कर दिया, छोटी उम्र में ही उसने सबको अपना निछार कर दिया, आज उसको हम सभी जन नमन करते हैं। भारतीय सिंधु सभा की ओर से अमर शहीद हेमू कालानी के 75वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में राज्य भर संगोष्ठियां, प्रभात फेरी व धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। देशभक्ति आधारित कार्यक्रम में आज डिग्गी चौक हेमू कालानी चौक पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्य भर में रंगीन स्टिकर के भी विमोचन किए गए। राजबिहारी बोस क्रांतिकारी, उनके भी आज बलिदान दिवस पर सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर विद्यालयों में भी विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। इससे पूर्व भारतीय सिंधु सभा की ओर से शहीद हेमू कालानी के 75वें बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर शुक्रवार शाम सिंधुपति महाराजा धारसेन स्मारक पर दीपदान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एक रंगीन स्टिकर के विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अजमेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष शिवशंकर हेड़ा ने कहा कि यह स्मारक देश भर में प्रेरणा लेने का केंद्र बन गया है, जहां सभी बलिदानी व क्रांतिकारी महापुरुषों की मूर्तियां लगी है और निरंतर कार्यक्रमों से सबको जोड़ा जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत हिंगलाज माता पूजन के साथ सभी महापुरुषों की मूर्ति पर माल्यार्पण से की गई। पूजा ताराचंद राजपुरोहित व लक्ष्मण दास दौलतानी ने करवाई। कार्यक्रम में सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नवल राय बच्चानी, प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार तीर्थानी, संभाग प्रभारी नरेंद्र बसरानी, सिंधी समाज महासमिति के अध्यक्ष कवल प्रकाश कृष्णानी, तुलसी सोनी, एडवोकेट महेश सावलानी, कमलेश शर्मा, विकास समिति के अध्यक्ष संदीप धाबाई, सचिव अनिश कपूर, रमेश मेघानी, कैलाश लखवानी, खेमचंद नारवानी, के जी ज्ञानी, भगवान साधवानी, राजेंद्र लालवानी, मुकेश आहुजा सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। अध्यक्ष मोहन तुलसियानी ने स्वागत भाषण व मंत्री महेश टेकचंदानी ने आभार प्रकट किया। चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, हेमू तेरा नाम रहेगा, हेमू तेरा ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, हेमू तेरा ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, हेमू तेरा ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। हेमू कालानी जी के बलिदान को हमेशा हिंदुस्तान के अंदर याद किया जाएगा, क्योंकि जो उनका जीवन रहा है उन्होंने देशभक्ति के कारण और देश के अपने देश के लिए अपने बलिदान जो दिया है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और आज की जनरेशन से मेरा सबसे अपील है कि उन इस बलिदान से प्रेरणा लेकर के हमें सबको हमारे देश के लिए जहां जिसकी आवश्यकता हो हमें तत्पर रहना चाहिए। हर वर्ष की भांति इस बार भी शहीद हेमू कालानी का बलिदान दिवस मनाया गया। उसकी पूर्व संध्या पर महाराजा धारसेन स्मारक पर हेमू कालानी के स्टिकर का विमोचन किया गया, जिसमें अजमेर प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय शिवशंकर जी हेड़ा ने स्टिकर का विमोचन किया। ऐसे कार्यक्रम में बच्चों ने भी भाग लिया और हमारी यही प्रेरणा रहती है कि आने वाली नई पीढ़ी इस कार्यक्रम से ऐसे शहीदों से प्रेरणा लेती रहे। वैशाली सिंधी सेवा समिति द्वारा अमर शहीद हेमू कालानी के 75वें बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर एक शाम हेमू कालानी के नामक कार्यक्रम में देशभक्ति गीत और नृत्य की प्रस्तुतियां दी गई।
इससे पूर्व समिति अध्यक्ष जीडी वरिंदानी, महासचिव प्रकाश जेठरा, कोषाध्यक्ष खुशीराम इसरानी, जयप्रकाश मंघानी, कौल प्रकाश कृष्णानी आदि ने हेमू कालानी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर दीप प्रज्वलित किए। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि आजादी के आंदोलन में सिंधु के सपूत हेमू कालानी को 21 जनवरी 1943 में अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ा दिया गया। वक्ताओं ने युवाओं को प्रेरणा देने के लिए उनका जीवन परिचय भी दिया। कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों द्वारा देशभक्ति गीतों पर शानदार नृत्य किया जा रहा है और प्रमुख गायक होचंद मोरियाणी द्वारा देशभक्ति गीतों का गायन हो रहा है। इस अवसर पर झूलेलाल सेवा मंडली द्वारा प्रकाशित झूलेलाल मंदिर का सिंधी कैलेंडर पंचांग का विमोचन किया गया। इस कैलेंडर में हर महीने में ग्यारस कब है, पूनम कब है, एकादशी कब है, चांद कब है, ये सब कुछ दर्शाया गया है। सिंधी संगीत समिति के तत्वावधान में सिंध के सपूत अमर शहीद हेमू कालानी के शहादत दिवस पर शनिवार को विशाल रैली निकाली गई। रैली को शिक्षा एवं पंचायती राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी और निगम महापौर धर्मेंद्र गहलोत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर एडीएम सिटी अरविंद सेंगवा, प्रशासनिक अधिकारी रेखा जयस्वानी, ज्योति ककवानी, प्रकाश चहलानी, डॉक्टर लाल थदानी सहित अनेक लोग रैली में शामिल होकर विभिन्न मार्गो से होते हुए दोबारा झूलेलाल मंदिर पहुंचे। छोटी सी आहुति अपनी उन्होंने देने का प्रयास किया कि छोटे से काम से भी अंग्रेजों की हुकूमत को हिलाया जा सकता है। उन्होंने कि रेल की पटरी खोल दें ताकि उसको बोगी को पलट दे। निश्चित रूप से ऐसा शौर्य का जो उन्होंने काम किया, जब वो पकड़े गए तो उन्होंने कहा तुम्हारे साथी और कौन थे, बता सकते थे, वो साथी खुद छूट सकते थे। किन्होंने साथियों का नाम बताने के बजाय कहा कि मेरे साथी तो हथौड़ी और छैनी थे। इस प्रकार का जो शौर्य उन्होंने दिखाया, निश्चित रूप से इसके लिए कवि ने भी कहा कि तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आग जलाए रखने के लिए नाम तुम्हारा लेगा। तो निश्चित रूप से इनके नाम के साथ हम भी कोशिश करेंगे कि आने वाले समय के अंदर जो देश के अंदर अभी कुरूतियाँ हैं, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार है, उसको समाप्त करने की और कदम आगे बढ़ा सकें। रैली का उद्देश्य ये है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा 19 साल का नौजवान जिसने इस भारत की आज़ादी के लिए 19 साल की उम्र में अपनी जान की परवाह न करते हुए और फांसी का फंदा अपने गले में डाल दिया, ऐसे शूरवीर को हम सिंधी समाज हर साल याद करते हैं और उसी याद में ये रैली निकालते हैं और इसका जन्मदिन 23 मार्च को होता है, उस दिन रक्तदान करते हैं। शहीद हेमू कालानी के बलिदान दिवस पर हरिसुंदर बालिका स्कूल में भारतीय सिंधु सभा की ओर से संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सभा के प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार तीर्थानी और भगवान कलवानी ने अमर शहीद हेमू कालानी के शौर्य और वीरता की गाथाओं से स्कूल के छात्र छात्राओं को अवगत कराया। इस मौके पर स्कूल की छात्राओं ने भी देशभक्ति गीत, कविता और कहानियों की प्रस्तुतियाँ दी। ऐसे सपूत को जो है श्रद्धांजलि देने के लिए बच्चों ने बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें कि आज जो है देशभक्ति से ओतप्रोत कविता पाठ और हेमू कालानी के जीवन पर उन्होंने जो है संदेश दिया और जो है आज की पीढ़ी को कि अपने देश के लिए हमें मर मिटना है, किसी भी हालत में जो है अपने देश की माटी को के लिए कुर्बानी देने से अपना पांव जो है पीछे नहीं करना है।